आप पहले शूज का ये पॉलिश का कितना लेते थे स्टार्टिंग में? आप जब आप शुरुआत किए थे जिंदगी में 25 पैसा। दोस्तों जिंदगी एक सफर है, इस सफर में आपको स्वागत है। मेरा सफर वही मेरा घर है। मेरे इस सफर में आप मेरे साथ हो, आपके बिना ये सफर अधूरा है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटी या बड़ी होती है हमारी सोच। खुश होकर किया गया हर काम अपने आप में बड़ा होता है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू जगदीश स्टडी टेक्निकल, फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज मैं इधर आया हूं और जैसे कि एथनिक बातों को करता हूं मैं मेरे चैनल में, और आज एथनिकल वे ऐसे ही मैं बात करने आया हूं और मैं ये शूज़ पॉलिश करने आया हूं। और ये लोग हैं यहां पे एक्चुअली शूज़ पॉलिश करते हैं, सालों दर साल ऐसा ही काम कर रहा है और यही उन लोग का जीने का जो इनकम का जरिया है। तो उन लोग से भी बात करेंगे और मेरा काम भी करवा लूँगा, ठीक है। तो आपका कितना साल हो गया? हमारे यहाँ पर 40 साल हो गए। मतलब 40 साल हो गया? 40 साल हो गया यहाँ पे। जितना ये पूरा लाइन ऐसा है ना, ऑलमोस्ट है। तो लखीमपुर अपना डिस्ट्रिक्ट में, एक्चुअली ये अपना लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये मतलब कहाँ, ये बस स्टैंड की साइड में ये बस स्टैंड है। ये पहले तो हाँ मेन पीरियड एंटी रूट है, बस स्टैंड के सामने ही ऐसा मोची वाला जितना भी लोग हैं, मोची काम करते हैं, उन लोग यहीं पर स्थित है और ये सालों दर साल यहीं पर काम कर रहा है। और बस इसी से उन लोग अपना परिवार को भी भरण पोषण दे रहा है और तो इनकम भी उसी से कर रहा है और ऐसा ही काम चल रहा है। तो 40 साल आपको पहले कहाँ के थे? आप यही के थे या नहीं? हम बिहार के। तो मतलब अब लोग का जितना भी समूह है, समुदाय है, इसी तरह का काम ही करता है क्या? इसी तरह करते हैं, यही करते हैं। कोई कोई है जो मतलब जो जिसके पास में पैसा है वो दूसरा बिजनेस करता है। हम लोग का तो ये बाल काटने वाला भी एक समूह है, उनका एक समुदाय है ना अपना, तो वो बेसिकली वही काम करता है। जैसा दर है, हम तो बिहार का नहीं, हम असम का है। हम असम का नौगांव, यही पे रह गया बचपन से, यही देखा सीखा है इसी से। बेसिकली आप इस समूह से नहीं है नहीं। लेकिन आप ये काम भी करते हैं? हाँ काम तो काम ही होता है। देखो दोस्तों काम तो काम ही होता है, कोई भी काम करो। मतलब महीने का कितना होता था लगभग? महीने का कितना होगा? नहीं आज तो थोड़ा बहुत ये हो गया, पहले कितना होता था या ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक होता है? पहले 500 से काम के हो जाता है। अभी तो सीजन नहीं है ना, ठंडा के सीजन में ज़्यादा काम होता है। महीने दिन का 500 भी पकड़ लो, 500 के तो महीने का 15,000-20,000 के आसपास हो जाता है। अच्छा अभी उतना नहीं होता है। नहीं। तो इससे फैमिली आपका चल जाता है? इसी में चलाना पड़ता है। ओके पहले क्या लगाता है उसका? वो कलर रॉन्ग। उसके बाद मैं ये पहले लगाता है, पहले लगाता है। उसके बाद वो पॉलिश मारता है ना? उसके बाद में ब्रास मारता है। ब्रास मारता है। ओके आपका फैमिली कितना मेंबर? कितना फैमिली मेंबर है? फैमिली हाँ कितने लोग हैं घर में, परिवार में? घर में पहले था, अभी मात्र 3 लोग रहते हैं। जैसे हमारा एक फैमिली बीवी हुआ बच्चे। और एक लड़का है। लड़का भी बड़ा हो गया अभी?
लड़का तो बड़ा हो गया। काम वाम करता है? अभी काम में नहीं है। नहीं है? कितने साल होगा बच्चे का? लड़का का हो गया आपका 20 साल हो गया। 20 साल तो पढ़ाई कर रहा है क्या? हाई सेकेंडरी का छोड़ दिया। छोड़ दिया, अब कोई काम में लगेगा अभी फिलहाल, अभी लगा नहीं, बोला तो करेगा। अब बिहार से कौन से गांव के आप? डिस्ट्रिक्ट? हमारा डिस्ट्रिक्ट वैशाली पड़ता है। वैशाली, पटना से कितना दूर है? पटना से थोड़ा दूर है, शायद में यानी यहाँ से हाजीपुर। हाजीपुर तो हम लोग का पास में पड़ता है। कहाँ से बोलता है? हाजीपुर में मेरा दोस्त है। हाजीपुर पटना और हाजीपुर तो वैशाली जिला में पड़ जाते हैं। तो आप जूते के अलावा सैंडल के सिलाई के अलावा अभी क्या क्या काम करता है इधर? अभी क्या काम? वही बैग बैग फिटिंग करना सब। हाँ, बैग चैन लगाना है, सब लगाना होता है। अभी पहले से ये काम करने वाले लोग ज्यादा हो गया या अभी कम होने लगा है? ज्यादा हो गया। हाँ। मुझे लगता था कम हो गया, लेकिन ज्यादा ही हो गया क्या? ज्यादा, मतलब ज्यादा होने के वजह से इनकम कम हुआ क्या अभी? नहीं, मतलब अभी गर्मी का सीजन है ना। हाँ। कम नहीं, मैं सिर्फ साल भर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वर्षा के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद इसको पॉलिश मारेगा। तो इनकम कम होने के कारण क्या है? आदमी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। तो मतलब ये कंपटीशन बढ़ रहा है हर जगह, सिर्फ यहीं पे नहीं है। आप कोई भी काम कर लो, कहीं कहीं पे भी जाओ, हर काम में कंपटीशन है। जॉब में भी कंपटीशन है, बिजनेस में भी है, और ये जो मोची वाले समूह उन लोग के बीच में भी कंपटीशन है। लोग बढ़ गए वाले पहले से, लेकिन लोग बढ़ गया, लेकिन ये पॉपुलेशन भी तो, जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है ना। हाँ। पहले था जो धनी जी, थोड़ा इनकम होने से उतना, आजकल महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है ना, बराबर। तो मतलब महंगाई के हिसाब से आपका इनकम भी ज्यादा होना चाहिए। तो वही है सबका प्रॉब्लम है फिलहाल। तो हमारा असम में, स्पेशली असम में अभी बहुत महंगाई चल रहा है सब्जी। ये घर में जाके डाल दो सब्जी दुकान में, अगर सब्जी के मार्केट में जाओगे तो अभी ये दारू का भी दाम बढ़ा दिया ना। पहले 80 रुपये में मिलता था ना, अभी 100 रुपये कर दिया। मतलब टैक्स भरा, ठहर टैक्स भरा रहा है बस। सफर मतलब 40 साल का सफर है, ये लखीमपुर में क्या है ना? 40 साल से इधर ही, यही जगह या अलग अलग जगह में बैठा? यही जगह में। तो दोस्तों इसी जगह में आपका नाम क्या है? हमारा नाम गरीबन राम। गरीबन राम, नाम भी गरीबन है। गरीबन राम 40 साल से यहीं पे बैठा है, मतलब 40 साल से यही काम कर रहा है और यहीं पे बैठा है बस, यही जगह। लेकिन आसपास के ये नज़ारा बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन गरीबन राम गरीब इधर ही रह गया। ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा ही मजाक कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये भैया इधर ही यही काम करता है 40 साल से और यही कर रहे हैं अभी भी। इसलिए मैं एक्चुअली जगदीश स्टार्ट एथनिकल में, वही मैं एक्चुअली एथनिकल में बात करता हूँ थोड़ा एथनिकली। ये अलग अलग समूह के लोग अलग अलग काम करता है, और इसी तरह इसमें ये लखीमपुर टाउन का मतलब जो मूछे का काम करता है, उन लोग से भी थोड़ा उनकी मन की बात भी बात किया। और 40 साल से कर रहे हैं और उनका इनकम पहले से कम हो गया। इस फील्ड में भी, इस कैटेगरी में काम करने लोग भी बढ़ गया पहले से,
और सबसे उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम यह है, तो मतलब इनकम लेवल फिक्स है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, उसके वजह से भी उन लोग थोड़ा बहुत परेशान है। ठीक है, ये पहले मोची आप पहले शूज़ का ये पॉलिश का कितना लेते थे स्टार्टिंग में, आप जब आप शुरुआत किए थे जिंदगी में? 25 पैसे। आप ये शूज़ 25 पैसे में, ये भैया ये शूज़ जो है ना ये पॉलिश करते हैं 25 पैसे में स्टार्ट किया था, अभी 30 रुपये हो गया, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। ओके, तो देखिए दोस्तों गरीबन राम से बात कर लिया और 40 साल का सफ़र है जो मोची का काम करते हैं, 40 साल का सफ़र के बाद मतलब उनके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की, और मैं ऐसे ही बस मेरा शूज़ भी अभी कर्नाटक अभी देखो कितना मस्त हो गया, और इसी तरह जो मोची का काम करते हैं जो मोची के काम करने वाले समूह हैं उन लोग से भी थोड़ा बहुत बात कर ली और उनके मन की बात भी थोड़ा जान लिया, और ये ब्लॉग मैं ही समाप्त करना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक देख ही लिया हो तो फिर डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और आप चैनल में नहीं आए हो तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, फिर से मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ।